नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आईएनटी टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसील। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हलके कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर और दीगर बहुत सारे आला अहदेदारों से मुलाकातें करते हुए अपने इलाके के बहुत सारे ज़ेरे तकमील कामों के सिलसिले में सबसे तबादले ख्याल किया और उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल कर देने का मुतालबा रखा। इस मौके पर उनके इलाकों में बहते बहुत सारे नालों की साफ सफाई पर भी बल्दिया को उन्होंने तवज्जो दिलाई ताकि आवाम बीमारियों से बचे रह सकें। साथ ही कई इलाकों में मौजूद भैंसों की डोडियों के सिलसिले में भी बल्दिया को उन्होंने हिदायत दी कि वो साफ सुथराई की जानिब तवज्जो दें। इस मौके पर इलाके के कुछ कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी उनके साथ साथ मौजूद थे। मुहतरम की हिदायत पर एडाबाद जोनल कमिश्नर के पास हल्के कारवान के तमाम कॉरपोरेटर्स और तमाम ऑफिसर्स के साथ में रिव्यू मीटिंग की थी, जिसके अंदर सबका में सेंक्शन शुदा कामों को पेंडिंग रखा गया था, तमाम कामों की नुमाइंदगी की गई और साथ ही साथ इंजीनियरिंग कामों के अलावा भी टाउन प्लानिंग के और चीफ इंटोमोलॉजिस्ट और डेयरी फार्म्स के ताल्लुक से और तमाम जितने भी हेल्थ के ताल्लुक से तमाम कामों के ऊपर रिव्यू मीटिंग की गई और जोनल कमिश्नर ने तय किया कि जल्द से जल्द जो इंजीनियरिंग के काम नए हैं उन तमाम कामों को सैंक्शन करने का तय किया और डेयरी फार्म्स के ऊपर एक्शन लेने का तय किया और जो तालाबों के ऊपर नालों के ऊपर जो मलेरिया जैसे बीमारियाँ बने उसके ऊपर चीफ इंटोमोलॉजिस्ट मलेरिया डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई कि 8 दिन के अंदर तमाम नाले तालाबा जितने भी काम आए तमाम कामों को